खबरदार खबरदार बंद करो, गाड़ी पीना छोड़ दो, बंद करो जहर की गोली। जम्मू कश्मीर नेशनल्स पीपल्स फ्रंट ने घाटी में बढ़ते नशे व नशीली दवाओं के विरोध में अनंतनाग में एक विरोध रैली निकाली। इस रैली का नेतृत्व पार्टी प्रमुख संजय कुमार द्वारा किया गया। इसमें बैरीनाग एनजीओ के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। वहीं रैली के दौरान नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नशे के खिलाफ दिल से काम करने का संकल्प लिया। विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखों ने इस अभिशाप से घाटी के गांव-गांव तक जागरूकता फैलाने का आह्वान किया, ताकि युवा इस नशे से दूर रहे और युवा पीढ़ी को इस नशे जैसी महामारी से बचाया जा सके। जम्मू कश्मीर को ड्रग से फ्री करना और ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकारों को जितनी काम करनी है वे लोग कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी को भी सक्रिय करना जरूरी है, उनको आगे लाना जरूरी है और अपने बच्चों को उससे बचाना जरूरी है। नशा मुक्ति के लिए पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जागरूक करने के लिए सोसाइटी को इसी तरह से आगे आना होगा। दूर दराज इलाकों में भी जाएंगे, आज इस रैली का भी असर होगा, लोगों को पता चलेगा कि समाज अब जाग रहा है, सोया नहीं है ड्रग के खिलाफ। तो जैसे जैसे लोग नींद से बाहर आएंगे, ये ड्रग की जो बीमारी है वो कम होगी। एटलीस्ट शुरुआत तो है। आपने आज तक कभी देखा पिछले 70-75 सालों में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ड्रग के खिलाफ इस तरह का कोई रैली निकाला हो? अभी हम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए हमने पहला मोर्चा नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा से शुरू किया और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम जम्मू कश्मीर के हर चपे चपे तक पहुँच पाएंगे, और ये चलता रहेगा क्योंकि ड्रग के खिलाफ हम आवाम को एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि हमारा फ्यूचर ज़ाया हो रहा है, हमारे बच्चे तबाह बर्बाद हो रहे हैं, आगे हमारा जम्मू कश्मीर उसकी हालत क्या होगी, किस तरह का जम्मू कश्मीर आपको मिलेगा, इसके लिए हम बहुत काफ़ी वरीड हो रहे हैं। वी आर वरीड अबाउट दैट। तो इस चीज़ को लिए हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को यकतरफा करते हुए छोड़ते हुए हम फिलहाल समाज के सुधार के लिए, अपने आने वाले नस्लों को सुधारने के लिए, उनको एक बेहतर जम्मू कश्मीर देने के लिए, करप्शन से पाक जम्मू कश्मीर, वायलेंस से पाक और ड्रग से पाक जम्मू कश्मीर देना चाहते हैं, इसलिए हमने ये सारे प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। आगे हम तहसील लेवल पर भी जाएंगे और ब्लॉक लेवल पर भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के साथ अगर लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे इन रैलियों में, तो ऑटोमेटिकली सरकार पर दबाव बढ़ जाएगा और वो ये सारी दुकानें बंद कर लेंगे, क्योंकि सरकार को सबसे ज्यादा आमदनी इसी से आती है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम अपने आप को किस तरह के इंसान समझ रहे हैं। जी, मेरा नाम माजिद अहमद है और मैं मीडिया स्पोक्स पर्सन हूँ ग्रेटर हरियाणा सिविल सोसाइटी। तो आज की इस एंटी ड्राइव जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जो ऑर्गेनाइज की, तो इसमें शामिल होने का हमारा ये मकसद है कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर ने जो एक कंपेन चलाई है नशा मुक्त भारत, तो उसको जो है उसमें हमारा एनजीओ का सपोर्ट और कमिटमेंट पेश करना है। तो रही बात ड्रग्स को की खात्मे की, तो हमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अब कंपेन तो होती रहती है, स्पीचेस तो होते रहते हैं, लेकिन हमें जो है अब ग्रास रूट लेवल पे प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने की जरूरत है। तो इसी सिलसिले में हमारी एनजीओ आज की ड्राइव में शामिल हुई और हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। तो हमने इसका हल जो है सोच रखा है और हम जो है पिछले कई सालों से जो है इस पे काम कर रहे हैं, यानी जो रिहैबिलिटेशन और री इंटीग्रेशन का जो काम होता है, जो कि एक सोल्यूशन है ड्रग एब्यूज का। देखो, ड्रग्स अगर ड्रग एब्यूजर को जितना हम आइसोलेट करेंगे वो उस दलदल में और ज्यादा फंस जाएगा, क्योंकि आइसोलेशन एक मतलब कारण है ड्रग एब्यूज का, जिसकी वजह से बहुत सारे नौजवान जो है उस ड्रग की तरफ मुलवस होते हैं, यानी अट्रैक्ट होते हैं। तो हमारी एनजीओ जो है इसी सिलसिले में काम करती है, हम पेरेंट्स से बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है हमें, बाकी पुलिस का जो है वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करता है, और हम जो है रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन और उन यूथ की जो पॉजिटिव एनर्जी है उनको हम चैनलाइज करते हैं इनटू डिफरेंट पॉजिटिव एक्टिविटीज। अनंतनाग से द अर्थ न्यूज के लिए शाही लाल की रिपोर्ट।